साथियों, G20 के दौरान जिस तरह भारत की युवा शक्ति इस आयोजन से जुड़ी, उसकी आज विशेष चर्चा आवश्यक है। साल भर तक देश के अनेकों यूनिवर्सिटीज में G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए। अब इसी श्रृंखला में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसमें IITs, IIMs, NITs और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, इससे जरूर जुड़िएगा। भारत के भविष्य में, युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली है। मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। मुझे भी अपने कॉलेज स्टूडेंट से संवाद का इंतजार है। मेरे परिवारजनों, आज से 2 दिन बाद 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। कहते हैं, सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुडविल, उसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है। बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है। साथियों, G20 में 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स भारत आए। वो यहाँ की विविधता, अलग अलग परंपराएं, भांति भांति का खान पान और हमारी धरोहरों से परिचित हुए। यहाँ आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार अनुभव लेकर गए हैं, उससे टूरिज्म का और विस्तार होगा। आप लोगों को पता ही है कि भारत में एक से बढ़कर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ ही दिन पहले शांतिनिकेतन और कर्नाटका के पवित्र होयसड़ा मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है। मैं इस शानदार उपलब्धि के लिए समस्त देशवासियों को बधाई देता हूँ। मुझे 2018 में शांतिनिकेतन की यात्रा का सौभाग्य मिला था। शांतिनिकेतन से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जुड़ाव रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांतिनिकेतन का मोटो संस्कृत के एक प्राचीन श्लोक से लिया था। वह श्लोक है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, अर्थात जहाँ एक छोटे से घोंसले में पूरा संसार समाहित हो सकता है। कर्नाटका के जिन होयसड़ा मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, उन्हें 13वीं शताब्दी के बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों को यूनेस्को से मान्यता मिलना मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का भी सम्मान है। भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल संख्या 42 हो गई है। भारत का प्रयास है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिले। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता के दर्शन करें। आप अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझें, हेरिटेज साइट्स को देखें। इससे आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित होंगे ही, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम माध्यम बनेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।